Aber nein, genau. Wo geht denn? Weil ihr davon müsst ihr sich. शाहीन का 6 नंबर कारतूस हिट किया, पहली बार मिस हो गया, दूसरी बार पे ये 2 गिरे। फायर दिखाया ये जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 सफेद बगलों का फायर हिट हुआ। और जो कहते हैं बगले हराम है, भाई मैं आपके लिए नहीं मार रहा, मैं अपने लिए मार रहा हूँ। भाई साहब यहाँ पे है बगलों का खजाना, ये देखें आप, इतनी बगले यहाँ पे, इतनी बगले हैं, ये भी इनकी ट्राई करेंगे। ये देखें, दो 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 तीन है इसमें। मैं कहता हूँ जनाब ये तो खजाना मिल गया यहाँ पे, काले बगले भी हैं इसमें, सफ़ेद तो बहुत है ना, वो देखें सामने वाली जगह वो भरी हुई है। अभी कोशिश ये करेंगे कि इनको ना किसी एक ही लाइन में इकट्ठा करें और फिर इनको हिट करें, लाइन में जो ना हिट अच्छा होता है। जी हाँ, मैं पर बिल्कुल ये देखे। मुझे दिखाओ फोन।
साले पता। भाई साहब बड़ा वीआईपी फायर हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि स्कोर कितनी हुआ है। ये देखें, एक तो ये घूम रहा है, इसको पहले पकड़ता हूँ। चल भाई बस चल, आ जा 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 जा, बस 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 बस। एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। जी जी आ रहा हूँ। और दो ये पड़े हैं। जी 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 बिल्कुल, माशाल्लाह जी ये बहुत ज़बरदस्त हो गए। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छा फायर हिट हो गया है। इनको पहले इकट्ठा किया है, एक ही इनकी लाइन बनवाई है, फिर इनको सुपर हिट किया है मैंने शाइन का। ये अच्छा फायर हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पकड़ने में बड़ा मज़ा आया। जो ज़ख्मी हुए ना, जो विंग हुए हैं, हाँ उनको पकड़ने में बड़ा मज़ा आया। सामने कीचड़ थी, उनको मैंने पकड़ा है कीचड़ में, बड़ा मज़ा आया है। भाई लेके जा रहे हैं, ज़बरदस्त। नहीं मैं धोऊंगा अभी पाऊँ, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी कितने हुए माशाल्लाह जी? एक ठीक है, दो ठीक हो गया, ये तीन ठीक हो गया, ये चार चार, ये पाँच ठीक है, एक ये भी आ गया, छः ठीक है, सात ज़बरदस्त, आठ आठ और एक नौ, वेरी गुड यार, ये नौ ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये रिकॉर्ड पर लगा है। वाकई मैंने अपनी लाइफ में इतना स्कोर एक फायर से कभी नहीं हिट किया, ज़बरदस्त। नौ बगले हिट हुए माशाल्लाह, माशाल्लाह। और छः हमारे पास, चार बगले और दो ब्लैक विंग पहले भी हैं हमारे पास। ये हमारा थैला टंगा हुआ है ना, इसमें इसमें हैं ऑलरेडी छः परिंदे, इसमें हैं नौ, वो हो गए ये वाले अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छा शिकार हो गया, ज़बरदस्त शिकार हो गया, ये है अच्छे वाला। हाँ इसको क्या बुलाते हैं हम? बराड़ा, बराड़ा बराड़ा बुलाते हैं इसको। ये नॉर्मल सफ़ेद बगले से बड़ा होता है ना? बड़ा भी होता है, और इसका टेस्ट जो है ना, हाँ कमाल का होता है। इसकी बिरयानी ऐसी बनती है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, भूल जाएंगे आप। वो बिल्कुल सारस की तरह होता है ना, सारस की तरह। हाँ वजन भी बहुत ज़्यादा है, लेंथ में भी बड़ा लग रहा है। ये देखें, अरे क्या खूबसूरत, इसके खूबसूरत होता है, खूबसूरत इसके पर निकले। और ये देखें इसके कमाल के, ऐसे मोर की तरह होते हैं इसके। यार डॉक्टर साहब ऐसा बगला हमने कभी नहीं मारा, माशाल्लाह जी ये बहुत, ये देखें पूरा मोर की तरह है। वाह यार वाह जबरदस्त, ये इसके अलग अलग ये पूरा मोर की तरह जो पर, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ ये मोर की तरह होता है डॉक्टर साहब। इसको वो भी होती है ना सर के ऊपर चोटी होती है? हाँ चोटी चोटी भी है इसकी, लेकिन टूट गई है। जरा देखें, हल्की सी है, हल्की सी है, ये है ना, ये है। हाँ ये सेपरेट इसकी होती है, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त है ये। वाह जी वाह, ये कमाल का होता है। ये देखें इसके गर्दन पे भी ऐसे होते हैं। कमाल हो गया यार, ये कमाल हो गया वाकई। ये नायाब नस्ल का बगला है, बहुत ही आला नस्ल का है। इसका गोश्त बहुत टेस्टी होता है डॉक्टर साहब। लोग ये क्यों बोल देंगे बगले हराम है? हराम नहीं होते ये, ये ऐसे पर लोगों की क्या सराहियाँ हैं, लेकिन ये बिल्कुल हलाल है, इसमें कोई शक नहीं है। आराम से खाएं, पूरा कोई भी शक नहीं है इसमें, 100% ये हलाल है ना? मतलब है ये। मुझे तो लगता है लोग इसकी खुराक से जज करते हैं कि नालियों वगैरह पे। नहीं नहीं नहीं, ये बछली खाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश खुराक खाते हैं बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं जहाँ से हमने शिकार किया है वहाँ पे कोई चीज भी ऐसी नहीं है। हाँ बिल्कुल, शक ये में आया कि ये हराम है। इस जगह पे थे यहाँ पे, जबरदस्त है जी। बिल्कुल फ्रेश पानी लगा हुआ है ट्यूबवेल का, गंदम की जो है ना फसल वहाँ पे उगाई हुई है उसके अपना जमीन के अंदर, तो कोई उसमें खराब चीज ऐसी नहीं थी कि ये जो खाएं। बाकी अगर आप इसको खुराक से जज करते हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि खुराक, आप ब्रायलर कितनी शौक से खाते हैं चिकन, उसकी खुराक अगर मैं आपको बता दूं आप कभी नहीं खाएंगे वो। तो खुराक से किसी को जज नहीं करते यार परिंदे को। हम जो देसी मुर्गी खाते हैं वो क्या खाती है? हाँ देसी मुर्गी नालियों में फिरती है सारा दिन। हाँ। बिल्कुल गोबर के कितने बड़े बड़े वो लगे होते हैं अपना ढेर। हाँ। लगे होते हैं उसमें घूम रही होती है सारा दिन। ये मैं देहात से ताल्लुक रखता हूँ, मुझे पता है ना, ये सारा दिन गोबर के ढेर पे घूमती रहती है। और मैं कहता हूँ देसी चिकन आप ऐसे खाते हैं जैसे तितर का गोश्त हो, ऐसे करके उसको खाते हैं आप,
और ब्रायलर कितनी शौक से खाते हैं आप लोग, ब्रायलर की जो फीड है उसके फुजले से तैयार की जाती है, उसके जो बाकी रिमेन्स बचते हैं, आंतड़ियाँ वगैरह उसकी बचती हैं, उससे उसकी फीड तैयार करते हैं ब्रायलर की। ब्रायलर खुद एक बेकार सी चीज़ है, वो तो शौक से खा रहे थे आप, हालांकि ये नेचुरल चीज़ है। और ख़ासकर इस सीज़न की, जिस सीज़न में अभी हम घूम रहे हैं और जो सर्दी में सुबह हम आए हैं, मैं तो कहता हूँ ये इस सीज़न में तो सुभान अल्लाह। फिर आप लोग कभी आओ, मैं आपको दावत देता हूँ, मेरे देखने वालों को कभी मेरे पास आओ, मैं आपको बगले की बिरयानी खिलाऊँ, अक्ल आपका दंग रह जाएगा मैं कहता हूँ। तो ये खामखा में किसी कहीं सुनी बातों पे नहीं आया करें, और अपने दिमाग से भी कुछ सोच लिया करें। जज़ाकअल्लाह। माशाल्लाह भाई साहब, ये देखें सर जी, कमाल का शिकार, ज़बरदस्त शिकार हो गया हमारा आज। अभी तो कर रहे हैं, ये तो एक जगह पे रुके हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ क्योंकि पानी है ना, इस जगह को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ मिला नहीं है ख़ास, तो यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने का मूड बनाया है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि बगला हराम नहीं होता, कोई भी बगला है ना, भले वो ब्लैक वाला है या वाइट वाला है, वो हराम नहीं होता। हराम परिंदे की कुछ निशानियाँ हैं, ठीक है ना, ऐसा परिंदा जिसकी चोंच सामने से बिल्कुल टेढ़ी हो और वो अपनी खुराक पंजों में पकड़ के खाता है, वो हराम होता है, ठीक है ना। मतलब जो अपनी खुराक को पंजों में पकड़ता है और जो डायरेक्ट अपनी चोंच से नीचे से उठा के खाता है ना, अपनी खुराक हासिल करता है डायरेक्ट अपनी चोंच से खाता है जो, तो वो हराम नहीं होता। बगला 100% 110% हलाल परिंदा है, कोई भी बगला है, भले ब्लैक वाला है या वाइट वाला है या कोई भी बगला है ना, बगले की भी अच्छी खासी वैसे टाइप्स हैं, कोई भी बगला है ना वो हलाल है। हराम परिंदे की मैंने आपको बता दी कि जो जिसकी चोंच सामने से टेढ़ी हो, बिल्कुल मुड़ी हुई हो, अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, वो वाला, और जो परिंदा अपनी खुराक पाँव में पकड़ के खाता है, पंजों में पकड़ के खाता है, वो वाला परिंदा हराम होता है। काफ़ी सारे परिंदे हैं ऐसे, चील, उकाब, कवे वगैरह, ये चीज़ें अपनी खुराक पंजों में पकड़ के खाते हैं, ठीक है ना। आप खुद किसी से कंफर्म करें, बगला हराम नहीं है, बगला हलाल है। जज़ाकअल्लाह भाई। भाई साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लैक कूट हिट कर लिया है, वो देखें, इतने सीज़न में ये इतने अरसे बाद हिट हुआ है ना। अभी मैं इसको रिकवर करने जा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ करीब से। भाई साहब शिकार खड़ा हुआ है हमारा वहाँ पे, मैं उसको जा रहा हूँ कवर करने। फुल सर्दी है यार, ठंडा पानी है, मैं पानी के अंदर आ गया हूँ। यार ये तो पानी भी बड़ा होता जा रहा है। हमारा शिकार हमारा वो खड़ा हुआ है वहाँ पे। ये देखो भाई साहब, ये पानी आ गया मुझे, ओए होए होए, अभी भी आगे गहरा होता जा रहा है, ओए होए होए। खैर मैं पहुँच गया, ये खड़ा हुआ है जी, ये खड़ा हुआ है हमारा ब्लैक कोट, ओए होए 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 होए, और जिंदा बैठा हुआ है अभी। वाजी वाह, इसके ना हेड में जो है ना हिट हुआ है, चार जिंदा बैठा हुआ है, देखिए आह हा, ये देखें जिंदा बैठा हुआ है बिल्कुल। वाजीवा वाजीवा, इसको मैंने बहुत दूर से हिट किया, मैं इतना जल्दी इसको हिट किया मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। वाजीवा, चूँच साफ कर भाई। हाँ जी सर जी, हाँ ज़बरदस्त शॉट हुई है इसको, लेकिन पानी, क्या पानी है भाई, इसको हाँ दूर से हिट किया है मैंने, बड़ी दूर से हिट किया इसको, मैं इतना जल्दबाजी में हिट किया है कि मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया, इसकी कैमरा ऑन करने का टाइम भी नहीं था मेरे पास। ओहो, इतनी ठंडा पानी, आय हाय हाय। अच्छा है भी जिंदा सर जी, अभी हाँ बिल्कुल जिंदा है अभी, ये देखिए गर्दन इसने पूरी उठाई हुई ऊपर, हाँ हेड शॉट हुई है ना, ये देखें, आह क्या बात है, खूबसूरत कितना होता है ये, ये देखें बिल्कुल जिंदा है अभी, ये देखें पर भी हिला रहा है, ये देखें जी ये ब्लैक कूट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज हिट किया है। हाँ भाई, अच्छा माशाल्लाह मोटा कैसा है, मोटा है, और है भी जिंदा।
ये काफी अरसे बाद आज हिट किया है हमने ये। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का शिकार फिर फाइनल करते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और भूख भी लग रही है। वैसे चाय वाय तो पी लिए यहाँ से लेकिन ये है कि भूख फिर भी लग रही है। तो आज का शिकार अच्छा खासा हो गया माशाल्लाह। फिर भी तकरीबन 16 परिंदे हैं हमारे पास और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऐसा क्या करूँगा आपको कुकिंग भी दिखाया करूँगा, कुकिंग भी साथ में ऐड किया करूँगा। मतलब जो शिकार हम किया करेंगे ना शिकार करके फिर कुकिंग भी किया करें साथ में, वो आपको इंशाल्लाह मज़ीद मज़ेदार करके मैं आपको दिखाया करूँगा। जज़ाकअल्लाह देखने वालों को मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ यार आपकी सपोर्ट करने का, बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक बंडल ऑफ थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच।